एवरीवन, दिस इज मी रुचम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज हम आए हुए हैं टेम्पे बीच पार्क पे एंड आई एम गोना शो यू कि किस तरीके का ये पार्क है। बहुत ही सही है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेट्रो भी जा रही है एंड इट्स अमेजिंग व्यू ओवर हियर। सो लेट मी शो यू कि यहाँ पे क्या क्या है। सो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। बात ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है और यहाँ पे जो आगे चलोगे आप तो आपको दिखते हैं बहुत सारे बोट्स जहाँ पे लोग आपको बोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। साइकिलिंग भी यहाँ पे हो रही है अलग अलग तरीके से। सो सब दिखाती हूँ आपको आगे। अलग अलग साइकिल्स लगी हुई हैं जहाँ पे लोग लेके साइकिलिंग करते हैं। हवा चल रही है और धूप है पर फिर भी एक अलग ही ठंडा मौसम जैसा फील आ रहा है। काफ़ी पीसफुल जगह है, मतलब बहुत ही शांति है यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे ये लोग सब अपना वीकेंड, क्योंकि हम लोग भी वीकेंड पे आए हुए हैं, आई थिंक यहाँ पे ये लोग वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए या हफ्ते भर की जो इतनी झिकझिक होती है, दैट्स व्हाट आई फील, या थकान होती है या भागदौड़ होती है, उससे थोड़ा रिलीफ पाने के लिए शायद यहाँ पे आते होंगे। बिकॉज बहुत शांत जगह है और एकदम जैसे आप ये पानी को देखते हो, मुझे अभी शायद आधा घंटा हो गया बट आई एम स्टिल फीलिंग सो नाइस एंड सो सरीन और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आई कैन फील दैट पीपल हियर कम ऑन वीकेंड टू जस्ट चिल, सम आर साइकिलिंग, सम आर जस्ट बोटिंग, सम आर जस्ट चिलिंग, या लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं और कोई हमारे जैसे भी हैं जो यहाँ पे बैठ के व्यू को इन्जॉय कर रहे हैं। सो आई गेस दिस प्लेस इज जस्ट गुड फॉर एंड गेस यहाँ से ऊपर से होके मेट्रो भी जाती है। तो मैंने तो पहली बार ही मेट्रो देखी है यहाँ पे। ये मेट्रो ही थी ना?
हाँ तो मैंने तो पहली बार ही देखी. सो मैं जब जब यहाँ से मेट्रो जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही हूँ. एंड पीपल हियर आर लाइक कि इतना क्या मतलब, बट मैं पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही हूँ. सो या अभी थोड़ा सा और यहाँ पे देर बैठेंगे एंड देन वील सी कि आगे क्या करना है. गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये व्यूइंग मशीन है. सो आप ऐसे जाके यहाँ से देख के पूरा व्यू जो है और क्लोजअप से देख सकते हो. सो मैं देख के आपको बताती हूँ कि कैसा है. ओके सो व्यू पास दिखता है. ये जो ब्रिज है वो मुझे दिख रहा था लेकिन इतना क्लियर नहीं दिख रहा था. बट अगेन अगर आप थोड़ा सा एक थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान के साथ देखोगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मुझे. गाइज अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड वी रियली लव्ड इट. इनफैक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार हम लोग रात को इवनिंग मतलब जब एकदम अंधेरा हो रात को तब हम यहाँ पे आएंगे सो दैट वी कैन सी कि रात को जो है ये किस तरीके का व्यू देता है और कैसे दिखता है ये रात में. सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. बट वी रियली एंजॉयड सिटिंग ओवर हियर एंड आई होप आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आया होगा. और अगर आपको मज़ा आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर और ऐसे वीडियो के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू रुचम्स लिटिल वर्ल्ड. Hey, bitch, that's me, I'm done.